हाय दोस्तों, इसी मार टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों, जिसे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। ये देखो सैमसंग मोबाइल, तो फिलहाल इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, नो सर्विस का प्रॉब्लम है। तो ये मॉडल नंबर देखो M350F, ठीक है। तो मैं आपको इसका 100% सोल्यूशन बताऊंगा। तो उन्होंने RFIC को चेंज किया, लेकिन उनको ये वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों नो सर्विस का। तो आपको एग्जैक्ट इसमें कौन सा वाला पार्ट चेंज करना है, सॉरी IC चेंज करना है, और जो आपका नो सर्विस का इश्यू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो पहले इस मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हो S915 जो IC है उसे हम चेंज कर देंगे। ये वाला जो IC है इसे चेंज कर देंगे और देखेंगे हमारा जो नो सर्विस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस
ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने इस आईसी को चेंज कर दिया है, तो फिलहाल अभी हम चेक करेंगे जो हमारा नो सर्विस का इश्यू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं दोस्तों। हमने जो दोस्तों आईसी चेंज किया है उसका नंबर है S915। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो हमारा जो नो सर्विस का प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हुआ, यहाँ दोनों भी रेंज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक आपको कॉल भी लगा के दिखाता हूँ, 195 को। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू।